बिहार की 5 सीटों के लिए शुरू हुई वोटिंग। ईवीएम में कैद हो जाएंगे दिग्गजों का भविष्य। बिहार के कई राजनीतिक दिग्गजों का भविष्य आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, सुपौल और झंझारपुर सीट के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत बिहार के इन 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इन चरण की 5 सीटों पर कुल 82 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से मधेपुरा से वर्तमान सांसद पप्पू यादव, शरद यादव, सुपौल से रंजीत रंजन, अररिया से सरफराज आलम और खगड़िया से महमूद अली, कैसर और मुकेश साहनी प्रमुख नाम हैं। आज इन सभी क्षेत्रों की 9,7600 पोलिंग बूथों पर मत डाले जाएंगे। मतदान सुचारू रूप से हो, इसके लिए कुल 58,700 मताधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। चुनाव वाले सभी 5 लोकसभा क्षेत्र को मिलाकर कुल 39,09,263 वोट हैं। इनमें से पुरुष वोटर 46,55,306, महिला वोटर 42,44,284 और थर्ड जेंडर वोटर 225 हैं। सर्विस वोटर 9,448। इसके साथ तीसरे चरण के चुनाव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। नेशन भारत के न्यूज रूम से निकिता मिश्रा की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन भारत।